तो मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हो आप? स्टॉक पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बाइनोमो में ट्रेडिंग कर रहे हैं और 100 से कंपाउंडिंग करेंगे। तो देखते हैं, अभी फिलहाल के दौर में ये मार्केट अपने सपोर्ट एरिया पर है। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ से बायर्स उठ रहे हैं, तो ये जो एरिया है मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है। मैं लेवल को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक ये जो है सपोर्ट एरिया है और नीचे भी मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। तो ये पूरा एक लाइन, मतलब एक जोन बना हुआ है मार्केट का, बायर्स का एरिया का। तो देखते हैं कैंडल कहाँ क्लोज होती है, उसके बाद ट्रेड लेंगे। अगर आप भी जब भी ट्रेडिंग करो तो सबसे पहले मार्केट में लेबल ड्रॉ करो और मतलब ट्रेंड वगैरह देखो, लेबल ड्रॉ करो, उसके बाद ट्रेड लेना। सब कुछ कंफर्मेशन लेने के बाद ही ट्रेड लो। तो बायर्स के एरिया से फिलहाल के दौर में बायर्स आए हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग रेट आने के बाद भी यहाँ पर बायर्स के एरिया से बायर्स आए, तो यहाँ पर अभी भी बायर्स अवेलेबल होंगे। तो मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पर एक बाय का ट्रेड लूँगा। सिंपल सा ट्रेड है क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया से बायर्स ने एंटर करा है, तो यहाँ से इजिली बायर्स आएंगे। और जब भी मार्केट इस एरिया पर आया तो टू बायर्स आए। अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो यहाँ पर टू बायर्स आए, तो मैंने यहाँ पर एक बाय का ट्रेड ले लिया है। सिंपल सा ट्रेड है, इसको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो आपको हिस्ट्री में यहाँ पर दिख जाएगा कि इस एरिया से टू बायर्स आए हैं। तो यहाँ पर भी चांसेस है कि बायर्स के एरिया से बायर्स आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी टू बायर्स आ जाए। तो इसलिए मैं ट्रेड मिस करना नहीं चाहता था, थोड़ा सा ऊपर लग गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मार्केट हमारी प्राइस के ऊपर ही क्लोजिंग देना चाहिए। अभी वेट करते हैं, अभी इसके अंदर 13 सेकेंड बाकी है। तो आपको भी इसी तरह से सब कुछ देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने बायर्स का एरिया भी देखा, यहाँ पर मतलब उस एरिया से किस हिसाब से बायर्स उठ रहे हैं, ये सब चीज़ें देखकर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। तो आप भी इसी तरह से ट्रेड लो, और जहाँ 5 सेकंड की ज़रूरत हो वहाँ 5 सेकंड पे देखो, जहाँ डायरेक्ट ट्रेड लेना है वहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड भी लो। क्योंकि मैं, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, मैं बहुत सी जगह डायरेक्ट भी ट्रेड ले लेता हूँ, बहुत सी जगह ये भी होता है कि मैं 5 सेकंड में देख कर ट्रेड लेता हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको सीखना पड़ेगी, कहाँ पर 5 सेकंड की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ नहीं पड़ती, कहाँ डायरेक्ट ट्रेड लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी पेड क्लासेस में बता रखा है। अगर आप मेरे पेड क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो और पेड क्लास की डिटेल्स ले सकते हो। और आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पब्लिक ग्रुप में, तो आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बायर्स के एरिया से स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि बायर्स के एरिया से स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे हैं और बायर्स की जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पहले वीक हुए फिर स्ट्रॉन्ग हुए फिर अभी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर बायर्स के एरिया से स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे हैं फिलहाल के दौर में। तो वेट करते हैं, यहाँ पर अगर कुछ कन्फर्मेशन मिलेगी तो मैं ट्रेड लूँगा, फालतू में कोई ट्रेड नहीं लूँगा। ओके, तो इस एरिया से रिजेक्शन फिलहाल के दौर में आ रहा है। ओके, वेट करेंगे, आराम से ट्रेड लेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। जहाँ कंफर्म लगेगा मुझे वहीं पे ट्रेड लूँगा, ठीक है। ये मार्केट का एक मतलब रेसिस्टेंस एरिया भी, इस एरिया से हो सकता है कि सेलर्स भी आ जाए। ओके, तो यहाँ पर बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग आ रहे फिलहाल के दौर में। 5 सेकंड में देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन था तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। मार्केट ऑलरेडी भी अच्छा खासा नीचे भी आ गया था और यहाँ पर मैं कंफ्यूज भी था, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। आप भी जहाँ कन्फ्यूज़न लगे कि यहाँ पर बायर्स भी आ सकते हैं सेलर्स भी आ सकते हैं, आपको लगे कि यहाँ पर 50-50 चांसेस है, तो वहाँ पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर अभी सेल कर देता तो अभी डाउटफुल हो जाता मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ था कि यहाँ पर बायर्स भी आ सकते हैं सेलर्स भी आ सकते हैं। बायर्स इसलिए आ सकते हैं क्योंकि बायर्स की जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है, और ये एरिया सेलर का, तो इसलिए सेलर्स भी आ सकते हैं। अगर बाई चांस अगर हम एंट्री ले लेते जल्दीबाजी में तो हमारे ट्रेड लॉस हो जाता, माइनर से लॉस हो जाता, लेकिन लॉस हो जाता। तो इसलिए आराम से ट्रेड लो, जहाँ कंफर्म लगे वहीं पे ट्रेड लो, ठीक है। अभी फिलहाल के दौर में बायर्स जो है वो वीक हो चुके हैं इस एरिया पर, तो 5 सेकंड में देखते हैं अगर कुछ कंफर्मेशन मिलेगी तो ट्रेड लेंगे। ओके, तो मार्केट अभी इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो मार्केट अभी और भी ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पर इजीली बाय का ट्रेड लूँगा और कन्फर्म यह मेरा विन हो जाएगा। देखो, अगर यहाँ पर सेलर होते तो 5 सेकंड में ये लेवल ब्रेक हो जाता, अगर यहाँ पर सेलर होते तो ये 5 सेकंड में ये लेवल ब्रेक हो जाता। अगर आप, मैं 5 सेकंड में आपको बताता हूँ ड्रॉ करके। देखो, ये मार्केट का एक जो है ये रेसिस्टेंस एरिया फिलहाल के दौर में, यहाँ पे देखो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, मार्केट ने लेवल को ब्रेक नहीं करा। अगर मार्केट यहाँ पर सेलर अवेलेबल होते तो ये लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाता, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट रिजेक्शन खा रहा, मतलब इस एरिया पर अभी भी कौन है, बायर्स है। तो इसलिए मैंने लास्ट मोमेंटम पर यहाँ पर बाइक का ट्रेड ले लिया और ये ट्रेड भी हमारा विन हो चुका है। तो फिलहाल के दौर में हमने 2 ट्रेड ले लिए, दोनों ही विन हो चुके हैं, एक लास्ट ट्रेड बचा हुआ है। देखते हैं, जहाँ मुझे कन्फर्म लगेगा मैं वहीं पर ट्रेड लूँगा, एक और आराम से ट्रेड लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है।
जितना आराम से और जितनी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे उतना ही अपने लिए अच्छा है। अगर बैक टू बैक ट्रेड लेने के चक्कर में अगर एक ट्रेड भी लॉस हो गया तो उसमें क्या होगा, अपने को शुरू से कंपाउंडिंग करना पड़ेगी, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर लेवल जो है मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ओके, और मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो वेट करते हैं यहाँ पर, देखते हैं अगर कुछ कन्फर्मेशन मिलेगी तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न भी बन सकता है सेल साइड का। तो वेट करते, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर पैटर्न बन जाए। तो देखते हैं 5 सेकंड में देख लेते हैं, अगर कुछ कन्फर्मेशन मिलेगी 5 सेकंड में तो ट्रेड ले लेंगे। तो ठीक है, 5 सेकंड में अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस एरिया से सेलर बैठे हुए, तो यहाँ पर इजीली यहाँ से नीचे ही रहने वाला है मार्केट में। अगर आप देखेंगे इसको लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ से 3 सेलर कंटिन्यू आए हुए, मतलब इस जगह पर सेलर से, तो 5 सेकंड में हो सकता है कि इसके नीचे ही क्लोजिंग दे। तो ये देख के मैंने 5 सेकंड में ट्रेड लिया, और 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो बायर क्या हुआ, यहाँ पर पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले सेलर्स आए थे, फिर वीक बायर और स्ट्रॉन्ग बायर्स आ गए थे। तो यहाँ पर हो सकता है कि अब जो नेक्स्ट कैंडल बने वो रेड की बन सकती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। ओके, तो ठीक है, याला ट्रेड भी हमारा विन हो चुका है, क्योंकि हमने हमारी एंट्री जो थी वो सही जगह थी। तो हमेशा इसलिए हमेशा यही ट्राई करो कि मार्जिन सेफ्टी से ट्राई करो, कि अगर बाई चांस कैंडल ग्रीन भी बनती तो ये ट्रेड हमारा विन हो गया। जैसे कि मैंने ये मार्जिन सेफ्टी ली थी यहाँ पर, तो ये कैंडल क्या हुआ, ग्रीन भी बनी, लेकिन क्या हुआ, हमारा ये ट्रेड विन हो चुका है। तो इसलिए ट्राई हमेशा यही करा करो ज़्यादातर, कि मार्जिन सेफ्टी के साथ ट्रेड मिले तो लिया करो। तो ठीक है, मैंने 3 ट्रेड लिए और तीनों ही विन हो चुके हैं। मैं आपको पेज भी रिफ्रेश करके बता देता हूँ, और जिन जिनको भी मेरी पेड क्लासेस चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो और पेड क्लास की डिटेल्स ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पेज को भी अपडाउन कर दिया है, और यहाँ पर ये देखो मेरा रियल और डेमो अकाउंट दोनों बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।